रेशन दुकानदारांनी ऑल इंडिया फेअर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रल्हाद मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली क्रांती सत्य जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढला होता. शासनाने रेशन कार्ड धारकांसाठी रेशन ऐवजी थेट अनुदान योजना अंमलात आणण्याचे ठरवले आहे. या निर्णयाविरोधात जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारांनी ऑल इंडिया फेअर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बंधू प्रल्हाद मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली क्रांती चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. बताना चाहता हूँ कि ये परिवारवाद की सरकार नहीं है, ये लोकशाही तंत्र में चलती हुई सरकार है. इसलिए आप जो सवाल कर रहे हैं कि मेरे भाई होते हुए मुझे आना पड़ा, लेकिन लोकतंत्र में मांग के लिए सर पटकना पड़ता है और सर पटकने के लिए मैं यहाँ आया. तो इससे आप सरकार को आपकी जो मांगी है वो हो जाएगी, पूरी हो जाएगी? उम्मीद है कि आपको उम्मीद है क्या? हमें प्रयत्न करना चाहिए, रिजल्ट देना ऊपर वाले के हाथ में है. इससे पहले भी आपने आंदोलन किए, उसका कोई नतीजा? हम आंदोलन जो कुछ हमारी मांगे हैं उसके लिए सरकार ने सहानुभूति प्रस्तावित कर चुकी है, लेकिन ये जो DBT का जो प्रोग्राम है ये भारत सरकार का नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का है. ये आप ख्याल कीजिए, पूरे देश में ये लागू नहीं हुआ है. झारखंड में किया था, झारखंड में फेल हुआ, पांडिचेरी में किया था, पांडिचेरी में फेल हुआ. आज मुझे कहते आनंद होता है कि मेनका गांधी जो महिला और बाल विकास मंत्रालय की मुखिया है उसने भी इस बात का विरोध किया है. तो मैं ये फडणवीस सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जो दूसरे स्टेटों में इसकी चहल पहल नहीं है तो आपको क्या जल्दी है उसमें, आप भी सोच के आगे बढ़िए, तब तक इसको रोक लीजिए. मोदी जी से आपकी बात हुई क्या इस विषय में? मैंने पहले भी बोल दिया है परिवारवाद की सरकार नहीं है, इसलिए सवाल करना मत करो. मसले हल करने के लिए आपने सवाल? मसले हल करना मैंने बोल दिया, सर पटक कर लेना है, लड़ कर लेना है, परिवारवाद के रिश्तेदारी से नहीं लेना. आपको प्रतिसाद मिल रहा है क्या उसका? वो तो मिलता है, वो तो हमारे दुकानदारों को जानकारी है. इससे पहले भी आपने दिल्ली में आंदोलन किए थे? अरे हम करते ही रहेंगे. मुझे नहीं लगता अभी तक कि आपकी डिमांड पूरी हुई. वो तो डिमांड हर रोज बढ़ती जाती है और डिमांड कुछ मिलती है कुछ नहीं मिलती है. कल आप शांति के लिए महाराज से जी जाकर मिले हैं तो क्या मतलब? बस उनके आशीर्वाद लिए. निर्धार थेट अनुदानाची योजना प्रायोगिक तत्वावर काही शहरांमध्ये सुरू आहे, परंतु या योजनेमुळे कार्ड धारकांच्या खात्यावर जमा झालेल्या पैशांचा धान्य न घेता वेगळ्या मार्गाने दुरुपयोग होईल आणि कार्ड धारकास धान्य न मिळाल्यामुळे बाजारातील चढ्या भावाने खरेदी करावी लागत आहे. या धोक्याची कल्पना आल्याने मोर्चाद्वारे शासनापर्यंत हा निर्णय पोहोचवण्यात आला. ऑल इंडिया फेअर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन और ऑल महाराष्ट्र सस्ता धान्य दुकानदार महासंघटन की ओर से आज हम लोग औरंगाबाद में आए हैं DBT का विरोध करने के लिए. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सरकार जो लागू करने के लिए कोशिश कर रही है, इसको विरोध करने के लिए आएगी. हमारी जो सिस्टम है, जो फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से जो आवंटन जो डिस्ट्रीब्यूशन की काम है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के काम अगले दिन DBT लागू होने से खत्म हो जाएगी. और आम जनता को जैसे राशन अभी मिलता है वैसा राशन अगले दिन राशन नहीं मिलेगी. बैंक में कुछ पैसा जमा हो सकता है, उस पैसा से चावल गेहूं खरीदने का, धान खरीदने का कोई भी रास्ता नहीं है आम जनता के पास. इसलिए राज्य सरकार को, प्रदेश स्तरीय का सरकार को चेतावनी देने के लिए ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की ओर से मैं महासचिव विशंबर बासु और हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रल्हाद भाई मोदी जी हम लोग आए हुए हैं. हम लोग इस रैली को संबोधित करते हुए इस रैली को सफल बनाने के लिए हम लोग आए हुए. यासह रेशन दुकानदारांना मिळणाऱ्या कमिशन मध्ये वाढ करावी, डाटा एंट्री 100% होईपर्यंत निदान 25% मॅन्युअली धान्य वाटपास
मंजुरी मिळावी या तीन मागण्यांसह जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी क्रांती चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ऑल इंडिया फेअर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बंधू प्रल्हाद मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊन आमखास मैदानावर या मोर्चाचा समारोप जाहीर सभेत झाला.